Hi guys, my name is Ashish and welcome to PTPR's channel. Today I'm going to tell you about how to analyze skills. Right, let's get started and get ready with pen and paper ताकि आप लोग भी अपनी नोटबुक पे लिख सको और एनालाइज कर सको एंड whosoever has given the exams और जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं they should know where to practice और जिन्होंने एग्जाम दे दिया है और जिनके स्कोर्स आ गए हैं जिनके स्कोर्स नहीं आए हैं they can understand where they are doing well and what they are lacking in किस में उनकी कमी है और हाँ वो कर रहे हैं गाइस let's start alright guys so PTE skill check let's get started with the ओपन रिस्पॉन्स स्पीकिंग एंड राइटिंग सबसे पहले अपने आती है ओपन रिस्पॉन्स स्पीकिंग एंड राइटिंग इसके अंदर चार चीज़ें जो एनालाइज करनी चाहिए या जो चार चीज़ें एनालाइज होती है वो है रिटन लेक्चर समराइज स्पोकन टेक्स्ट समराइज रिटन टेक्स्ट और राइट ऐसे अगर आपके ओपन रिस्पॉन्स स्पीकिंग एंड राइटिंग के अंदर वो बार फुल भरा हुआ है या फिर वो हाफ है इट मीन्स दैट यू आर लैकिंग इन दीज फोर सेक्शंस और इन चार सेक्शंस में आपने काफ़ी अच्छा किया है रिटन लेक्चर समराइज स्पोकन टेक्स्ट समराइज रिटन टेक्स्ट एंड राइट एसे तो आप लोगों को इन चार ऑप्शंस में अगर आपका स्कोर आ रहा है इट मीन्स दैट यू आर नॉट लैकिंग इन दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्किल जिसके बारे में अपने चेक करते हैं दैट इज रिप्रोड्यूसिंग स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज जिसके अंदर आप दोबारा से बोल के कोई भी चीज़ सुनते हो और उसको दोबारा से बोल के आप उसको रिप्रोड्यूस करते हो दैट इज़ नोन अंडर दैट कम्स अंडर रिप्रोड्यूसिंग स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज फर्स्ट रिपीट सेंटेंस राइट फ्रॉम डिक्टेशन आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड रीड अलाउड ठीक है तो ये चार चीज़ें आपके रिप्रोड्यूसिंग स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज के अंदर आती है इफ़ द स्किल बार इज़ फुल इट मीन्स दैट यू आर डूइंग बेस्ट इन दीज फोर सेक्शंस राइट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एक्सटेंडेड राइटिंग के अंदर आता है ऐसे राइटिंग समराइज स्पोकन टेक्स्ट एंड समराइज रिटन टेक्स्ट अगर आपकी एक्सटेंडेड राइटिंग के अंदर या फिर आपके फॉर्म के अंदर या वर्ड्स पूरे करने के अंदर या आपके ग्रामेटिकल एरर्स के अंदर कोई भी दिक्कत आती है या फिर आपके स्कोर उस बार के अंदर कम आता है देन यू आर लैकिंग इन दीज थ्री थिंग्स अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आप इन तीन चीज़ों के अंदर काफ़ी अच्छा कर रहे हो इफ दिस बार इज़ फुल तो अगर आपको चेक करनी है अपनी स्किल्स व्हेन यू चेक योर स्कोर अगर अपना स्कोर चेक करते हो एंड चेक द PDF फाइल उसके नीचे आपका लाइक चेक इनेबलिंग स्किल भी चेक कर सकते हो वहाँ पे देन यू विल गेट द आंसर नेक्स्ट वन इज़ शॉर्ट राइटिंग जिसमें आपको थोड़ा लिखना पड़ता है दैट आर नोन एज राइट फ्रॉम डिक्टेशन और लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स राइट फ्रॉम डिक्टेशन और लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स अगर आप अच्छे से करते हो तो आपकी शॉर्ट राइटिंग का बार फुल भरा होगा यू विल गेट द बेस्ट स्कोर इन शॉर्ट राइटिंग अंडरस्टैंड गाइज डिक्टेशन के अंदर यू कैन ऐड मोर वर्ड्स ठीक है लिसनिंग के ब्लैंक्स के अंदर आप ज़्यादा वर्ड्स नहीं लगा सकते जो सही स्पेलिंग होगी यू विल गेट द स्कोर फॉर दैट तो ट्राई करो कि आप उसके अंदर जल्दी से आंसर लगाओ और आगे चलो डू नॉट वेस्ट योर टाइम इफ़ यू डू नॉट नो द स्पेलिंग अपना टाइम को वेस्ट मत करो अगर आपको स्पेलिंग पता है राइट आंसर पता है जस्ट ऐड द आंसर्स अगर आपको नहीं पता है देन ट्राई टू मूव ऑन डोंट थिंक अबाउट द वर्ड्स दैट कैन बी सूटेड देयर जो वहाँ पे सूट कर सकता है तो उस वर्ड्स के लिए वेट मत करो इफ़ यू नो द आंसर इफ़ यू नो द ड्रिल जस्ट पुट द आंसर एंड मूव फर्दर अगर वेट करोगे तो डिक्टेशन के लिए या फिर हाईलाइट के लिए यू विल हैव लेस टाइम और आप वहाँ पे हेजिटेट हो जाओगे नर्वस हो जाओगे और आपका स्कोर कम आएगा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ नोन एज एक्सटेंडेड स्पीकिंग एक्सटेंडेड स्पीकिंग का मतलब है जिसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा बोलते हो ज़्यादा देर तक बोलते हो दैट आर नोन एज रिटन लेक्चर एंड डिस्क्राइब इमेज रिटन लेक्चर और डिस्क्राइब इमेज को ट्राई टू स्पीक इन ए मॉडरेट स्पीड मॉडरेट स्पीड में बोलना है ज़्यादा चिल्ला के नहीं बोलना है अपनी आवाज़ को मीडियम रखना है इफ़ यू आर अ बॉय ट्राई टू स्पीक को लाइक क्वाइट नॉर्मल बिकॉज योर बेस इज़ हैवी आप लोगों का बेस हैवी होता है तो आप नॉर्मल बोलने की ट्राई करो इफ़ यू आर अ गर्ल ट्राई टू स्पीक इन अ लाइक काम वॉइस बिकॉज गर्ल्स की आवाज़ काफ़ी लाउड होती है सो यू हैव टू जस्ट बी मॉडरेट एंड योर स्पीड एंड साउंड शुड बी इन फाइन टोन ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए अगर वो फ्लक्चुएट करेगा देन यू विल गेट less score in your extended speaking written lecture or describe image अच्छे करने के लिए just try to practice more and more if you will do practice a lot you will definitely get your score in extended speaking be calm don't hesitate just sit there and give your best shot and try to add content as much as you can if you would not you will get less score in your extended speaking let's move to the next part that is known as short speaking शॉर्ट स्पीकिंग के अंदर दो पार्ट्स आते हैं दैट आर नोन एज रीड अलाउड एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चन रीड अलाउड के अंदर आपको सिर्फ देख के बोलना होता है ट्राई टू स्पीक एज मैनी एज वर्ड्स यू कैन स्पीक करेक्ट
जिनकी प्रोनंसिएशन आप करेक्ट से कर सकते हो. इफ़ यू डू नॉट नो द राइट प्रोनंसिएशन, अगर आपको राइट प्रोनंसिएशन नहीं पता है, देन ट्राई टू लीव दैट वर्ड. सेकेंड पार्ट इज़ आंसर शॉर्ट क्वेश्चन. ये काफ़ी आपको कई बार हेजिटेट कर सकता है. अगर आपको आंसर नहीं पता है, देन ट्राई टू रिपीट द क्वेश्चन, क्वेश्चन रिपीट करने की ट्राई करो. और अगर आपको आंसर पता है, देन जल्दी से अपना आंसर बोलो और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो. दैट इज़ द ड्रिल गाइस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ नोन एज मल्टीपल स्किल कॉम्प्रीहेंशन. मल्टीपल स्किल कॉम्प्रीहेंशन के अंदर क्या आता है? रिपीट सेंटेंस, रिटेल लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, हाईलाइट करेक्ट समरी, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, समराइज रिटन एंड स्पोकन टेक्स्ट, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी रीडिंग के हैं. ये सारी चीज़ें आपकी मल्टीपल स्किल कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आती है, क्योंकि इसके अंदर आपकी मल्टीपल स्किल काउंट की जैसे कि रिपीट सेंटेंस के अंदर आपकी लिसनिंग की और स्पीकिंग की, रिटेल लेक्चर में आपकी लिसनिंग की एंड स्पीकिंग की, हाईलाइट करेक्ट समरी में लिसनिंग की एंड लिसनिंग की स्किल, हाईलाइट करेक्ट समरी के अंदर. एंड उसके बाद अपना आता है समराइज रिटन टेक्स्ट, इसके अंदर आप रीडिंग भी करते हो और उसमें राइट भी करते हो. सो दीज स्किल्स आर नो लाइक कम अंडर मल्टीपल स्किल कॉम्प्रीहेंशन. सो यू हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स टू गेट योर स्कोर. अगर आपका मल्टीपल स्किल कॉम्प्रीहेंशन के अंदर स्कोर कम आ रहा है, इट मीन्स दैट यू आर लैकिंग इन दीज नाइन मॉड्यूल्स. आपको इन नाइन मॉड्यूल पर अपना फोकस करना है. सिंगल स्किल कॉम्प्रीहेंशन, दैट वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ योर लाइक स्किल कॉम्प्रीहेंशन स्किल, लाइक स्किल चेकिंग में आपका लास्ट पार्ट होगा, जिसके अंदर ये तीन चीज़ें आती हैं, जिसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड एंड रीऑर्डर पैराग्राफ. यू हैव टू फोकस ऑन दीज थ्री थिंग्स. रीऑर्डर पैराग्राफ अगर आपको ढंग से नहीं आ रहा है, देन ट्राई टू मेक पेयर्स बनाने की ट्राई करो, इंडिपेंडेंट सेंटेंस फाइंड आउट ट्राई करने की ट्राई करो. सो यू विल गेट योर स्कोर बेटर. अगर आप ये चीज़ें ढंग से कर सकते हो, देन यू विल डेफिनेटली गेट योर स्कोर. एंड गाइस, बिफोर गोइंग टू द एग्ज़ाम, अगर कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहा है, इफ़ समबडी हैज एग्ज़ाम इन लाइक नेक्स्ट 2-3 डेज, और हुसोएवर इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, आई वुड से दैट ऑल द बेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट हेजिटेट एंड डोंट कीप योर माइंड एम्प्टी बिफोर गोइंग टू द एग्ज़ाम. अपने दिमाग को खाली मत रखें एग्ज़ाम में जाने से पहले. इट मीन्स कि आपको कुछ भी रीड करने को मिलता है, ट्राई टू जस्ट रीड इट इन माइंड. बोल बोल के नहीं, मन मन में पढ़ते रहे, ताकि यू डू नॉट गेट थॉट्स और बैड थॉट्स बिफोर गोइंग टू द एग्ज़ाम. तो आपके माइंड को ऑक्यूपाइड रखोगे, देन यू विल बी वेरी फ्रेश ओवर देयर, बिल्कुल सही रहोगे, बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग, यू आर नॉट टायरिंग योर ब्रेन. आप सिर्फ कुछ आउटपुट बाहर से ले रहे हो एंड जस्ट पुटिंग इनटू योर ब्रेन. दैट वुड बी द मेन पॉइंट. सेकेंडरी, हैव टोटल और हैव सफिशियंट रेस्ट बिफोर गोइंग टू द एग्ज़ाम सेंटर. And have your all the documents before going to the exam center. And drink good water and wear the clothes which are comfortable. और कपड़े वही पहने जो comfortable रहे. If you are going in winters, तो इतने गर्म कपड़े पहने ताकि आपको अंदर बैठने पर अगर हीटर चल रहा है तो आपको गर्मी भी ना लगे, और बाहर रहने पर या फिर हीटर नहीं चल रहा है, then you do not feel cold. If गर्मियों में अगर आप जा रहे हो, तो try to wear comfortable clothes, cotton clothes पहने, जिससे कि आपको गर्मी ना लगे. नेक्स्ट पार्ट इज़ ट्राई टू ऐड सम लाइक कैफीन बिफोर गोइंग टू द एग्ज़ाम. दैट कैन मेक यू एनर्जाइज, जैसे कि आप कॉफ़ी या टी कुछ भी अगर ले सकते हैं, देन ट्राई टू टेक इट. ठीक है, एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा एक्सेसिवली प्रैक्टिस ना करें. एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा प्रैक्टिस करने से समटाइम्स यू गेट एग्जॉस्टेड एंड कई बार आप टायर्ड हो जाते हो, जिससे कि आपके स्कोर कम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. गाइज, सो यू हैव टू फोकस ऑन दोज थिंग्स. अगर आप लोगों की वो चीज़ें सही है, देन यू विल डेफिनेटली गेट योर स्कोर. पीटी हार्ड नहीं है आयल्स की वजह से, देन डोंट मेक इट हार्ड लाइक दैट. दैट वुड बी द लास्ट थिंग आई वुड से. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू हैव फाइंड और फाउंड एनी थिंग इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल इन दिस वीडियो, जस्ट लेट मी नो. और इफ़ यू नीड समथिंग एल्स टू नो, अगर आपको पीटी के बारे में और कुछ भी जानना है, इफ़ यू नीड एनी information regarding classes, then message me on my WhatsApp, or you can mail me on ptpsbusiness@gmail.com. thank you so much guys, that is all for this video. Signing out.